बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम अकरम, बुखारा ए फादर एंड सन के चैनल की तवासुत से आज हम किफ्लिक आइसलैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर हम सुबह आए थे एयर कैनेडा के थ्रू और तकरीबन 10 बजे हमने यहाँ पर चेक इन किया होटल में और उसके बाद हमने 1 से 2 घंटे आराम किया और उसके बाद हम अपनी जर्नी पे रवाना हुए। हमारा मकसद था कि हम इसको गोल्डन सर्कल को एक्सप्लोर करें यहाँ पर, लेकिन ये है कि आज बहुत विंड, बहुत गस्ती विंड थी, मेरे पास रेंटल कार थी। पहली दफ़ा आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आते आते टाइम लगता है, तो छोटी गाड़ी होने की वजह से, विंड गस्ट की वजह से गाड़ी वाज लाइक उसकी टर्बुलेंस की वजह से गाड़ी लग रहा था कि गाड़ी फ्लिप ना हो जाए, तो इस वजह से सेफ्टी हैजर्ड की वजह से आई हैव टू कट शॉर्ट एवरीथिंग। तो बेसिकली आइसलैंड आने का मकसद ये था कि आइसलैंड is the country of fire and ice, it's a land of fire and ice, aur yahan par aapko iske natural phenomena nazar aate hain agar aap routes pe kisi bhi 42 41 43 kisi bhi road ko aap le le kisi bhi route ko aap touch kare and you will find natural bounties across देखेंगे, आपकी नज़र जा भी दौड़ेंगी, आपको नज़र आएंगी कि यहाँ पर वॉल्केनिक एशेस और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स हर जगह मौजूद हैं और बहुत बहुत आचे पाए जाते हैं। वो मुझे इसका अंदाज़ा तब हुआ कि जब मैं आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम थिंगलेयर नेशनल पार्क की तरफ मैं रवाना था और रेकवेक से थिंगलेयर नेशनल पार्क किया, तो वहाँ से फिर क्योंकि गस्ती विंड्स बहुत ज़्यादा थी तो आई हैव टू टर्न अराउंड एंड आई कम बैक, और फिर मैं ब्लू लगून की तरफ गया। तो ब्लू लगून इज़ फुल ऑफ दैट एरिया इज़ बेसिकली फुल ऑफ ऑल द वॉल्केनिक एशेस, देयर लॉट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी हैज बीन एंड लुक्स लाइक इट हैज बीन डिपॉजिटेड ओवर देयर फॉर मे बी लॉन्ग टाइम, और अभी तो इस वक्त कोई एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटी तो नज़र नहीं आती, लेकिन इट हैज़ बीन गिवन इन द पास्ट टाइम्स इट हैपेंड। अब उसको ये है कि वो जो ब्लू लगून का एरिया है दैट इज़ फुल ऑफ मिनरल्स, द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द रॉक्स, और जिस तरीके से भी इन्होंने इसको बेसिकली इसको उन्होंने नेचुरल जियो थर्मल स्पा बनाने की कोशिश की इसे, क्योंकि जो सल्फर कंटेंट है और कार्बन कंटेंट और दूसरे मिनरल कंटेंट्स हैं उसको पानी के अंदर शामिल किया जाए और उसको एज ए रेमेडियल ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल, तो वो बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। बेसिकली अगर आप यहाँ पर आए और ब्लू लगून नहीं देखा तो आई थिंक यू हैवंट सीन एनीथिंग हियर। तो इसके अलावा आप ये देखते हैं कि आइसलैंड में जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पर हमें आके फील हुआ कि हम एक डिफरेंट डायमेंशन में आ गए, बिकॉज कैनेडा में हमें याद है टोरंटो में हैसल बसल है, लेकिन वहाँ पर लगता है कि इट्स लाइक, क्योंकि हम वहाँ पर रहते हैं ऑब्वियसली हमें पता है कि वहाँ का सिस्टम कैसे रन करता है, तो आप किसी भी नए मुल्क में जाते हैं तो आपके लिए एक क्यूरियोसिटी होती है और लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं और बहुत सारी इम्प्लीकेशन होते हैं जिसमें आपको फील होता है कि यार वी हैव टू लर्न थिंग्स मोर इन ऑर्डर टू यू नो अंडरस्टैंड मोर। तो इसके अलावा हमारा, क्योंकि अब्बू की मेहरबानी, अब्बू मेरे साथ आए, मेरा प्लान था, मैंने काफ़ी अर्से से बना रहा था, लेकिन मैंने अब्बू को दावत दी और अब्बू ने मेरी दावत को कबूल किया, अब्बू का शुक्रिया, और अब्बू ने कहा कि मैं तेरा साथ देता हूँ उस मामले में। तो हम फिर हमने कहा कि हम कट शॉर्ट करते हैं क्योंकि देर आर ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ, सो दैट्स वाई यू हैव टू सी व्हाट्स यू हैव टू सी योर बी द सर्फेस थिंग्स फर्स्ट, क्योंकि यह बिकॉज ये आपका
जैसे कहते हैं फाइनेंस जर्नीज होते हैं, तो उसको फिर आपको ब्रश कट शॉर्ट भी करना पड़ता है बिकॉज यू आर स्पॉन्सरिंग इट टू दैट लेवल. तो इसके अलावा यहाँ पर आइसलैंड में आके मैं फील हुआ कि यार इनकी करेंसी बहुत डाउन है, उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन नेचुरल रिजर्वायर के लिहाज से, नेचुरल रिसोर्स के लिहाज से कंट्री फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैं, के पास मिनरल्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, के पास बहुत सारे एक्सप्लोरेशन भी हो रही हैं, इनके पास ऑयल भी होगा डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइज़मिक एक्टिविटी भी होती है और यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, तो जिसकी वजह से अदर मेटल्स और रिजर्व्स की भी इनके बहुत आत होगी डेफिनेटली. फिर इनके पास टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, दे हैव लॉट ऑफ टूरिज्म और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इनके पास और वो भी ज़रिए मुबादला अच्छा खासा आते हैं. तो द कंट्री इज़ डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ, लेकिन अभी इनकी टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखें तो आइसलैंड की इज़ लाइक 350,000 पीपल, अराउंड 350,000. तो ये भी एक है फैक्टर कि अभी पॉपुलेशन अभी बिल्डअप हो रही है, डेवलप हो रही है बहुत सारी चीज़ें, और क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी वॉल्केनिक करप्शन कहीं पे हो सकती है, और इसलिए फिर वो कहते हैं कि जी जैसे वो होता ना कि अभी एक है फैक्टर कि अभी पॉपुलेशन अभी बिल्डअप हो रही है, डेवलप हो रही है बहुत सारी चीज़ें, और क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी वॉल्केनिक करप्शन कहीं पे हो सकती है, और इसलिए फिर वो कहते हैं कि जी जैसे वो होता ना कि डिमोलिश एंड बिल्ड, डिमोलिश एंड बिल्ड, रीबिल्ड, डिमोलिश, रीबिल्ड, तो ये सिस्टम चलता जाता है. तो ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं इस मामले में, या आइसलैंडिक पीपल दे आर वेरी हार्टी एंड दे आर वेरी एक्टिव इन दैट. तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, एज स्टूडेंट ऑफ, क्योंकि मैंने जब अपने एम फिल की थी, मैंने एम फिल में पेलेंटोलॉजी के ऊपर काम किया था और मुझे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का बड़ा शौक था. तो ये एक जैसे नमल में है हमारे सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में, वहाँ पर फील्ड म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी है, वहाँ पर यहाँ पर भी फील्ड म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी आपको मिलता है. यहाँ पर सिर्फ जियोलॉजिकल म्यूजियम नहीं मिलता आपको, यहाँ पर फ्लोरा का भी म्यूजियम मिलता है आपको, यहाँ पर फॉर्मेशंस का भी म्यूजियम मिलता है, और यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, तो ये इट्स बेसिकली हब फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ के आपको पता चले, क्योंकि यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है जिसका इम्पैक्ट जो है आपके इवन यूरोपियन कंट्रीज पे भी होता है, नॉर्थ अमेरिका में भी होता है, बिकॉज आइसलैंड इज कनेक्टेड विद ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड इज कनेक्टेड विद नुनावुट, नुनावुट इज पार्ट ऑफ इज प्रोविंस ऑफ कैनेडा. तो नॉर्थ अमेरिका इज नुनावुट इज पार्ट ऑफ इज प्रोविंस ऑफ कैनेडा. तो नॉर्थ अमेरिका इज वेरी इंटरकनेक्टेड विद दिस पेनिनसुला, दिस एरिया. सो ये बहुत इम्पोर्टेंस की बात है कि यहाँ पर बहुत काम हो रहा है, इन्होंने रोड्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया हुआ है, इन्होंने पहाड़ों में से क्रिएट किया और दे हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट टू बिल्ड अप ऑन एवरीथिंग. इसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि कुछ क्लाउड जो है हम गाड़ी को भी टच कर रहे थे, क्योंकि इतनी हाइट है कि वो क्लाउड्स भी आपकी गाड़ी को टच करते हैं, और उन्होंने इस तरीके से इसको लैंड को और सारे को डेवलप किया. तो ये क्योंकि नेचुरल, इन्होंने सबसे बड़ी कोशिश की कि नेचुरल रिजर्वायर को टच ना करें, उसमें से उन्होंने एक इसको थीम पार्क बना दी कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल अबंडेंसेज और नेचुरल जेम्स हिडन है, उसको आप एक्सप्लोर करें और उसको फाइंड आउट करें. तो ये तो एक थोड़ा सा प्रियम था इसके बारे में. तो अब वालिद ग्रामी से मैं पूछूंगा इसके ऊपर कि आपके क्या तासुरात हैं आइसलैंड के बारे में. आप खैर से, आपका मेरे ख्याल से पहला टूर है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमजा अल्लाह ताला आपको जय खैर दे, आपके बड़े भाई के लिए भी दुआ है. आपने मुझे जहाँ भी कोई मैं गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो आप मुझे लेकर गए हैं. अमेरिका कहा जाता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और आइसलैंड जो है इज ए लैंड ऑफ क्यूरियोसिटीज है.
अगर किसी नेचर को देखना है, खास तौर पर जो रॉक्स हैं, यहाँ आज थोड़े से टाइम हमें मिला, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतनी खूबसूरत यहाँ पे रॉक्स हैं। और उसके बाद वॉल्केनोस, क्योंकि वॉल्केनोस एक सिलसिला फैला हुआ है यहाँ पर आइसलैंड में, हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन, लावे से बना हुआ, लावा जो है वो क्या है, उसमें मोल्टन रॉक की मटेरियल है, केमिकल्स है, मिनरल्स है, तो द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन आज हमने देखने का मौका मिला है। वॉल्केनोस काफी दूर है और एक दिन में हम नहीं देख सकते या वहां नहीं जा सकते थे। बहरहाल जो चीज जिससे मैं ज्यादा मुतासर हूँ वो ये है कि यहाँ का जो ये एरिया है वॉल्केनोस का, यहाँ का फाना को मैंने मौका नहीं मिला, फ्लोरा देखने का मौका मिला। यहाँ के फ्लोरा जो है उसको उसने चेंज कर दिया है, यानी वो, बल्कि ये मैंने जो मेरा मुशाहिदा है कि ट्रीज मुझे इतने नजर नहीं आए जितने श्रब्स में नजर आई, और उन श्रब्स में वॉल्केनोस की जो साइल है, जिस साइल में ये श्रब्स ग्रो कर रही है, और वो वॉल्केनिक एरप्शन से ये साइल बनी है, रिच ऑफ मिनरल्स, रिच ऑफ केमिकल्स है, और मेरा ख्याल में वो अपने लिहाज से जैसे वो गैलापागोस में आयरलैंड में डार्विन ने देखा डार्विन गया वेरिएशन देखी, वेरिएशन थी ना, एवोल्यूशन की बेस वेरिएशन, यहाँ पे रॉक्स की मैं कह सकता हूँ ये अप्लाई हम रॉक्स पर कर सकते हैं कि रॉक के अंदर भी वेरिएशन है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, यहाँ पे खास तौर पर जो जो वॉल्केनिक एरप्शन से बनी है रॉक्स, इग्नियस रॉक के लिए कहते हैं, उनको भी देखने का मौका मिला। और ये एक लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी है, आइसलैंड इज ए लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी। और टाइम थोड़ा था इसको, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो इससे कहेंगे कि नेचुरल क्यूरियोसिटी का लव ज़्यादा इस पर अप्लाई हो जाएगा कि नेचुरल जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लाइव हो रहे हैं बेसिकली, जैसे आप देखते हैं कि एक हॉराइजन है, एक कंट्री के अंदर कितना लैंड मास है, एक बेसिकली आइसलैंड इज आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड बेसिकली बिटवीन ग्रीनलैंड एंड नॉर्वे, एक साइड पे नॉर्वे है, एक साइड पे ग्रीनलैंड है, लेकिन बीच में समंदर है, तो इट मींस दैट दिस पार्ट ऑफ लैंड इज बेसिकली सराउंडेड बाय सी। सो इस एरिया की जो फरीदियत यही है कि इसके अंदर इसलिए बहुत सारे नेचुरल, ग्रीनलैंड में वॉल्केनोस नहीं है इसलिए, वहाँ पर ज़्यादातर पोलर आइस, वहाँ पर ज़्यादातर ग्लेशियर्स हैं ज़्यादातर। नॉर्वे वॉल्केनोस जो है ना, दे चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल,
हालांकि नॉर्वे भी उसी एरिया में आता है, लेकिन नॉर्वे में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी नई एक्टिविटीज, लेकिन आइसलैंड में स्पेशली है क्योंकि इट इज लाइज इन द फॉल्ट जोन जो थिंगलेयर नेशनल पार्क, वहाँ पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी उससे सारी स्टार्ट हुआ था आपका जो प्लेट्स का मूवमेंट का, जो प्लेट्स मूव हुई तो मुख्तलिफ बरेआज़म बने और आपके इतने सारे, तो ये बड़ी एक हिस्टोरिकल चीज है बेसिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज और बेन में मैंने देखा नहीं है, इसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रीज नजर नहीं आए जी, ट्रीज शायद इसके इसके ऊपर हमें, मैं भी तहकीक करूँगा, आपने एक अच्छा सवाल उठाया और आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आपने इस ऑब्जर्व किया कि ट्रीज नजर नहीं आए और ये देखना बहुत जरूरी है व्हाई दे डोंट हैव अ ट्री, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इसको मैं फाइंड आउट करूँ। इनसे कहते हैं टिम्बर लाइन जी, तो टिम्बर लाइन नजर आई नहीं, ये बात सही, ये बहुत आपकी बड़ी एक जैसे कहते हैं कि एक बड़ी दकीक किस्म की सोच है आपकी, कि आपने बड़ी डीपली सोचा है कि वेजिटेशन पैटर्न में ट्रीज का होना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से विंड बहुत ज़्यादा है, अगर ट्रीज होते तो शायद विंड इतनी तेज ना होती, विंड ब्रेकर्स है बहुत। अब मैं वहाँ पर वॉक कर रहा था तो आई वॉज लाइक फ्लोइंग अवे, लुक्स लाइक मैं उड़ जाएगा, हमें उड़ा के ले जाएगा, इस तरह भी गाड़ी के साथ भी ट्रबलेंस ऐसी फील हुई कि मैं जब गया हूँ थिंगलेयर की तरफ, थिंगलेयर नेशनल पार्क की तरफ जहाँ पर इनका जो फॉल्ट जोन लाइक करती है, तो वहाँ पर इतनी हवा का दबाव था, गस्टी विंड थी कि मैं लग रहा था कि गाड़ी ही ना उड़ जाए। हाँ बिल्कुल, तो दैट्स अ सेफ्टी कंसर्न, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कट शॉर्ट एवरीथिंग बिकॉज ट्रीज ना होने की वजह से, तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि इतनी विंड जो आ रही है ट्रीज नहीं है तो विंड को कौन ब्रेक करेगा, कोई ब्रेक नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है कि ट्रीज का, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बाद नोट किया आपने, तो आपके नज़दीक क्योंकि जाहिर है कि आप कहते थे ना आपने किताब लिखनी है सॉलिटरी ट्रैवलर, आपका एक था, तो आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक देखे, मुख्तलिफ इलाके देखे, तो आपको आइसलैंड में क्या फर्क नजर? आइसलैंड जो है अभी तक इग्नोर्ड है मेरे नुक्ता निगाह से, के लोगों की जो साइंटिफिक जो लोग हैं, साइंस के लोग हैं, उनको आइसलैंड जो है उसको एक मदद से वो गैलापागोस वो, लेकिन यहाँ पर ऑन सॉरी टू कट यू, आइसलैंड की अंदर तीन यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, कि आइसलैंड यूनिवर्सिटी है वहाँ बड़ी अच्छी रिसर्च हो रही है और वहाँ के बड़े काफ़ी मुहक्किक है वहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट हैं काम कर रहे हैं, तो दूसरी बात है दुनिया की नज़र भी है यहाँ पर, और ये आइसलैंड इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ वेरी रिच कंट्री अगर देखा जाए, दे हैव अदर रिसोर्सेज एज वेल, अगर आप ये नॉर्डिक रीजन में जितने भी देख लें, नॉर्वे इज़ वेरी रिच कंट्री, स्विट्जरलैंड इज़ वेरी रिच कंट्री जब अल्पाइन रीजन से, तो सिर्फ भाई देखिए नॉर्वे है वो जगह जो जिसे नोबल जो था अल्फ्रेड नोबल जी 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 उसने इसकी बुनियाद किया कि उसने दुनिया में नाम पैदा किया नोबल प्राइज, तो दीज आर मैं सब अर्ज करने का मतलब दीज स्कैंडिनेवियन बेल्ट इज द रिचेस्ट कंट्रीज इन होल वर्ल्ड बेसिकली, इनकी इकोनॉमी इज डूइंग गुड, बट आई डोंट नो व्हाट अबाउट द करेंसी दैट व्हाई द करेंसी इज सो डाउन, इवन इकोनॉमी इज लाइक चाइना को देखें आप, चाइना की भी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है बट चाइना को बहुत कम है, अगर आप एक रुपया पाकिस्तानी लें तो शायद वो इस तरह बनता जो भी है, तो कन्वर्जन रेट जो एक इधर, ये तो खैर कोई वो ही बता सकता है बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट या कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट के जी क्या वाई द इकोनॉमिस्ट बता सकते हैं कि वाई द करेंसी इज डाउन बट द इकोनॉमी इज गोइंग बूमिंग व्हाटएवर, सो बट आइसलैंड की कोई मुझे क्यूरियोसिटी ये थी कि कुछ दिनों से बनी, जब से मैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखी मैंने कहा यार ये इस कंट्री हैज़ एक्टिव जियोलॉजिकल फिनोमेनन एंड एक्टिव वॉल्केनिक साइट्स एंड स्टिल इट्स सराउंडेड बाय द सी,
surrounded by नेचुरल रिजर्वायर स्पेशली, और इसको इन्होंने ख़ुद भी इसलिए नहीं एक्सप्लोर किया या इनको टच नहीं किया, लेकिन इनका रोड का निज़ाम तो है, और फिर जहाँ भी चले जाएँ आपको यहाँ पर इंटरनेट मिलेगा, इंटरनेट की कम्युनिकेशन इज देयर, सो पीपल हु आर देयर फॉर ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर उनको वो प्रॉपर सहूलत मिल जाती है. तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर था कि आइसलैंड इज नेचुरल जियोलॉजिकल म्यूजियम और नेचुरल म्यूजियम. हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इसमें चूँकि जियोलॉजी के साथ रिलेटेड है ज़रा वोल्केनोस और ये फॉर्मेशंस, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सब जियोलॉजी के फिनोमेना. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक मरकज बनाना चाहिए बनाए जिस पर जो इस पर काम करे. जी वो कर रहे हैं, ऑलरेडी मॉनिटर कर रहे हैं इनका. अच्छा? बकायदा इनकी आइसलैंड की गवर्नमेंट ने, इन्होंने अपने आइसलैंड एडवाइजरीज की एक वेबसाइट बनाई हुई है. इन्होंने अच्छा पूरा एक काम कर रहा सिस्टम, इनके बकायदा मॉनिटर्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, वो बता देते हैं कि बिफोर हैंड कि कौन सा वॉल्केनो कहाँ से निकलने वाला है. अच्छा जी, तो ये दे आर डूइंग ग्रेट. दो इन्होंने बकायदा उनकी लाइव फोटोग्राफी भी चल रही होती है, वीडियो कवरेज भी चल रही होती है, ये सर्वेलेंस जैसे कहते हैं. बड़ी अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसका बाकायदा पूरा इस पर काम करके और इसके रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इसमें दिलचस्पी लें और यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर बने. काम तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरों के लिए भी रिसर्च सेंटर बने. वो है मुझे, आइसलैंड यूनिवर्सिटी इज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. आइसलैंड यूनिवर्सिटी के साथ पूरी दुनिया से लोग पीएचडी करने आते हैं यहाँ पर, और दे आर डूइंग ग्रेट रिसर्च. इस पर कर रहे हैं काम. जी जी एब्सोल्युटली, दे आर डूइंग इनडेप्थ एनालिसिस. तभी तो देखिए, आप देखें कि इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, इवन यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होते कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचता. इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं कि उनको पता चल जाता है कि एवैक्यूएट कर देते हैं, एक हफ्ता पहले लोगों को निकाल देते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा एक होना है नेचुरल. चले अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है. yeah, और इसको मजीद इस पर काम करने की जरूरत है ताकि ये जो है ना फिनोमेना इस के जो कमाहकों फवायद है. ठीक है ना, ये मिनरल को जमीन से मिनरल को उगलना यही है ना. वाल्केनो उसका क्या काम है कि जमीन से मिनरल्स को निकालना बाहर, और लावा, लावा के अंदर बहुत कुछ है. बिल्कुल सही, और इसके ऊपर काम करना चाहिए साइंटिफिक बुनियादों पर. ये एक होता है ना कमर्शियल, हम साइंटिफिक बात कर. बिल्कुल ठीक. तो बहरहाल ये कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा, लेकिन हमारा क्योंकि टूर कम रहा, हमने टूर एक दिन का शॉर्टेस्ट टूर था, लेकिन अब्बू की मेहरबानी, अब्बू ने बड़ा साथ दिया. अब्बू को जिस एज में, अब्बू की इस एज में अब्बू भी ज़्यादा जवान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर बाल का जवानों के साथ अच्छी औलाद हो अल्लाह की नेमत है. अल्लाह में असलाम रखे और मैं अल्लाह का शुक्र. आपके बड़े ही मुफीद मशवरे होते हैं, मुफीद बातें होती हैं, और उसका उससे हम मुस्तफीद होते हैं. तो नाज़रीन कराम, आज का जो है प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. अब्बू की बड़ी अच्छी बातें हुई, अब्बू ने बड़े नुक्ते अच्छे उठाए इस मामले के ऊपर. आखिर में कुछ कहना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं. मैं यही कहूँगा कि बेस्ट इज येट टू कम. दैट्स राइट, एब्सोल्युटली. बहुत ज़बरदस्त बात, एक लाख रुपए की बात की आपने. ठीक है, अच्छा मिलियन डॉलर जिसे कहते हैं, मिलियन डॉलर बात किया. तो नाज़रीन कराम, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है और आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके दुआ करते हैं. और आप हमारे चैनल को लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. हम
एक्चुअली नॉन प्रॉफिट है, हम कोशिश करते हैं कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि वालिद ग्रामी का हमेशा से जब से इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से और उससे मुख्तलिफ कॉलेज में वो पढ़ाते रहे, फिर वो एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट में कंट्रोल एग्जामिनेशन भी रहे, तो इनका मकसद ये था कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको अगर हमारी इंफॉर्मेशन से अपडेट होना चाहते हैं तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, सी यू, अल्लाह।